नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आम तौर पर बच्चा जब क्वालिफाई हो जाता है, अच्छी एजुकेशन ले लेता है, तो और आगे शिक्षा के लिए बाहरी देशों में जाने की कोशिश करता है। और ज़्यादातर ध्यान लोगों का जो होता है अपने बच्चे को अमेरिका भेजने पर होता है, या फिर कहीं ऐसे देशों में भेजने की कोशिश करते हैं जहाँ से काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो सके और अच्छा पैसा मिल सके। बहरहाल, जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी काफ़ी अपार संभावनाएं हैं, इस ओर लोगों का ध्यान नहीं है। तो भारत में डोरांडा बिजनेस सॉल्यूशन से कंपनी है जिसके बिजनेस हेड हैं, जो बिजनेस को पूरा डेवलप करने का काम करते हैं, विनोद परिहार। तो आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाता हूँ और जानते हैं जापान में इस तरह के एजुकेशन को लेकर क्या अपॉर्चुनिटी है। विनोद जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि डोरांडा बिजनेस सॉल्यूशन है क्या? सर, डोरांडा बिजनेस सॉल्यूशंस जो है ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जिसका गठन 2007 में हुआ था जी। और मेरे साथ मेरे दो चार और मित्र थे जो हम लोग आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब जो है हम अपने तरीके से काम करें। और आपको शायद मालूम होगा कि 2007 जो है उसको इंडिया जापान मैत्री वर्ष के रूप में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी उस समय, मैं टोक्यो में ही था और काफ़ी एफर्ट कंपनीज ने किया, गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा एफर्ट आया। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आई उस समय जो, वो थी इंजीनियर्स की, क्योंकि जापान आपको पता है एक ऐसा देश है जहाँ पर वो अंग्रेजी नहीं बोलते, वो अपना जो उनका मातृभाषा जापानी वो बोलते हैं। अगर हम जो जापान में जो लोग रह रहे हैं हिंदुस्तानी भाई जो उनको जापानी भाषा आती है, अगर हम उनको हायर करते हैं तो आपको पता है बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, भाषा भी आता है, वो बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सपेंसिव भी हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम जो है अपना एक सेटअप पर लगाएंगे जहाँ पर हम भारत में जो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइज कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में कर रहे हैं प्राइमरीली, उनको हम ट्रेनिंग देंगे। और हमने, वी वर द फर्स्ट कंपनी, हम पहले कंपनी थे, हमको देखने के बाद में, हमको देखते के साथ में विप्रो टेक्नोलॉजीज ने भी अपने कंपनी में एक ऐसे ही छोटा सा एक सेटअप बना के स्टार्ट किया था। उन्होंने उसका नाम रखा था शिम्पो। हमने ये शुरू किया और करीब 60 से 62 लोगों को ट्रेनिंग दिया और कई लोगों को हमने अपने में हायर कर लिया एज ए एम्प्लॉई इंजीनियर। और कई बच्चे जो थे उसमें, कोई आज के डेट में गूगल में काम कर रहा है, कोई अमेजोन में काम कर रहा है, कोई टोयो इंजीनियर में, कई कंपनीज हैं जो बाहर में, तो वो सब सेटल हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग है कि आज जो है मैं उसको फिर से रेप्लिकेट कर सकता हूँ। और क्योंकि ये जो वाक्य मैंने आपको बताया, ये 2007 का है, वही साल था जब यूएस में, अमेरिका के अंदर में लेमन ब्रदर्स शॉक बोल के मेजर इकोनॉमिक ऐसा हुआ था जी। और उसके बाद उसका जो प्रभाव है, बड़ा मेजर इंपैक्ट जो है जापान को भी पड़ा था और कई कंपनियों का दौर कहा बहुत जब रहा जी, पूरे विश्व में जो उसका असर था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो आईटी इंडस्ट्री है वो संकुचित होने लगी और जो एक दौर शुरू हुआ था जो कि भारत से भी हम करेंगे जापान को, वो स्लो डाउन हो गया। तो हमने फिर जो जापान में ही काम है हमने उसको फोकस किया। लेकिन आज क्या है कि आज जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे साहब, वो हमारे देश में आते हैं, उनको हमने देश में चीफ गेस्ट के जैसे हमने उनको इनवाइट किया और उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों ने अमेरिका को इतना साथ दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अब आप हमें भी साथ दीजिए। तो अब हमने सोचा कि भैया ऐसा है कि ये चीज़ को हम फिर से रेप्लिकेट करें। और हमारी एक टीम है इंदौर के अंदर में, हमने इंदौर में भी शुरू किया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंदौर को जो है जापान में भी एक जगह मिलेगा और जापान के लोगों को पता चलेगा कि अगर हमको हिंदुस्तान से स्टूडेंट्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, तो हमें जो पहले जो जाना है भारत में, हमें इंदौर जाना है। बिल्कुल ठीक कहना है। निश्चित तौर पर जो पहल परिहार जी कर रहे हैं कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है और जो प्रयास ये कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है मुझे कि जो कुछ भी सीन चला रहा है, जैसा रिसेशन की बात इन्होंने कही,
एक दौर जब आया था जब बहुत सारे भारतीयों को नौकरी छोड़ने की बात कही जाने लगी थी, आज भी जो यूएस में लोग नौकरी कर रहे हैं वो ट्रंप की नीति को लेकर काफ़ी परेशान है कि H1B वीज़ा को लेकर भी काफ़ी परेशानियां हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई अच्छा मूवमेंट जापान की तरफ होगा तो निश्चित तौर पर वो यंग इंजीनियर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स या जो भी वहाँ जाना चाहे, वहाँ जाकर काम करना चाहे, उनके लिए उपयोगी, लाभदायक सिद्ध होगा। जो आपका जो कंपनी है ये किस तरह से लोगों की मदद करेगी, क्या प्रोसेस होगा? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आपको जापान में काम करना है तो आपको वहाँ का जो भाषा है वो आपको आना चाहिए जी। और हमारी कंपनी का जो पहला टारगेट है जी कि जापानीज गवर्नमेंट उस स्टूडेंट को, उस स्किल्ड पर्सन को जॉब वीज़ा देगी जिसके पास में JLPT 3 होगा। JLPT जो है ये जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन का एक स्टैंडर्ड है जिसको बोलते हैं कि जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसमें 5 लेवल होते हैं जो नीचे से शुरू होता है, 5, 4, 3, 2, 1। जापानीज गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर कोई भी भारतीय स्टूडेंट, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, अगर वो लेवल 3 क्लियर करता है तो उसको विदाउट एनी प्रॉब्लम हम उसको जॉब वीज़ा देंगे। तो हमारा जो टारगेट है, हम यहाँ पर इंदौर सिटी के अंदर में जो कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पर हमारी बात चल रही है, वहाँ के बच्चों को हम लेवल 3 का ट्रेनिंग देंगे। और ये लेवल 3 JLPT लेवल 3 की ट्रेनिंग में जो हमारे ट्रेनर्स हैं उसमें एक ट्रेनर है इज़ एन जापानी हैं और उनको 22 साल का तजुर्बा है सिखाने का, और इंटरनेशनल, ना सिर्फ जापानी को, उन्होंने अमेरिकन्स को पढ़ाया है, कैनेडियंस को पढ़ाया है, ऑस्ट्रेलियंस को पढ़ाया है। तो उनको हम जो हमारा जो ये सक्सेस आप बता सकते हैं कि हम इंदौर में हम उनको लेके आ रहे हैं और उनके साथ प्लस आपको पता है भारत में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर जापानीज़ लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है अलग, जैसे JNU है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। तो हम जो हमारे फर्स्ट लेवल के जो हमारे ट्रेनर हैं उनको हम इन यूनिवर्सिटी से हम हायर कर रहे हैं जो ग्रेजुएट हैं जापानीज़ लैंग्वेज कल्चर में। और इनके लिए भी हमारा प्रोग्राम है कि ये जो हमारे पास में इंडियन ट्रेनर आएंगे, हमारे पास जो अभी हैं, इनको भी हम ट्रेन करेंगे। और ये हमारा प्रोग्राम है ट्रेन द ट्रेनर। ओके। कि अभी इन लोगों ने जापानी भाषा का अध्ययन तो किया है लेकिन जापानी भाषा को किस किस क्षेत्र में काम आ सकता है इसका उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी जो है उनको जब टीचिंग करते 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 उनको हम ये ट्रेनिंग देंगे, ये हमारा प्लान है। क्या लगता है जापान में जैसे जापानीज लैंग्वेज जो JPLT आपने बात कही, अगर वो आप यहाँ पर ट्रेंड कर देते हैं, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो क्या स्कोप है, कितना फर्दर? देखिए, अभी क्या है कि आज से 2 महीने पहले जापान के एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं ह्यूमन रिसोर्स के, उन्होंने ग्लोबली उन्होंने ये अनाउंस किया कि जापान को भारत से 2.5 लाख इंजीनियर्स चाहिए अगले 3 साल में। इसके अलावा उन्हीं मिनिस्टर ने फिर एक अनाउंस किया कि जापान को 3.5 लाख वर्कर्स चाहिए भारत से। उनका एक प्रोग्राम चल रहा है जापान में 1992 से, जिसको लोग TITP बोलते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जहां पर थाईलैंड से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, वियतनाम से 1992 से लोग इमिग्रेंट्स जा रहे हैं, उनके लिए सारा लॉ बना हुआ है। इस बार हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने तरफ से उनको रिक्वेस्ट किया कि देखिए हमारे देश में भी वर्कर्स हैं और हमारे देश से वर्कर्स जो है हमारे मिडिल ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में जो है बहुत वैल्यू एडिशन का काम हम करते हैं, तो ये काम हमारे ये वर्कर्स आपके देश में भी कर सकते हैं, अब आप हमें ये बताइए कि इसके लिए और क्या चाहिए। तो उन्होंने बताया जो एक इंजीनियर के लिए चाहिए वही एक वर्कर के लिए चाहिए, तो आप वर्कर को भी ट्रेनिंग दीजिए। तो ये हमारे जो मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और उनके अंतर्गत में जो डिपार्टमेंट है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने एक इस पार्ट में जो है इसमें वो जुड़े हैं साथ में TITP प्रोग्राम में। और अगले महीने हम भी एम्पैनल हो रहे हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपनी कंपनी के तरफ से NSDC का मैं काउंसलर हूँ फॉर जापान, एडवाइज़र बोल सकते हैं आप। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अगर भारतीय इंजीनियर जो अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, ब्रिटेन की तरफ जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, पर ज़्यादा जॉब जो करते हैं वो US में करते हैं, तो ऐसे लोग जो जापान में जाएंगे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी और बाद में फर्दर 2-5 साल बाद की कोई स्कीम्स या कुछ फ़ायदे हैं वहाँ पर?
बिल्कुल सही पूछा आपने सुनील जी। जापान गवर्नमेंट ने क्या है, अभी उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई है, और जैसा मैंने पहले बताया भारतीयों के लिए, कि ये जो इंजीनियर्स, ये जो TIT प्रोग्राम के अंतर्गत जो वर्कर्स यहाँ से जाएंगे, तो 3 साल के लिए उनका सारा खर्चा, खाना पीना और उनका जो सैलरी है वो जापानीज गवर्नमेंट बियर करेगी, और 3 साल के बाद उनको एज ए एम्प्लॉय रख लेगी वो लोग, वो वापस नहीं आएंगे। अब 3 साल से 5 साल टोटल अगर उनका 5 साल स्टे हो गया तो वो एलिजिबल होंगे परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, PR के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि जो हमारा भारत से जो चाहे वर्कर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे कोई भी है, जो जापानीज लैंग्वेज को पढ़ के JLPT Level 3 क्लियर करके अगर जापान जाता है, तो उसके लिए जापान का दरवाजा खुला हुआ है कि आप आइए, हमारा पार्ट बनिए और हमारे साथ काम भी कीजिए और सीखिए भी काम। तो देखिए कितनी अच्छी बात निकलकर सामने आई है कि हमेशा अपॉर्चुनिटी US या UK में ही नहीं, अपॉर्चुनिटी के लिए और भी देश हैं, और डोरंडा बिजनेस सॉल्यूशन एक नई अपॉर्चुनिटी लिए आपके लिए लेकर आया है। इंदौर में भी इनका सेंटर शुरू हो गया है, जहाँ से आप जापान जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, और उनकी जो भी मिनिमम फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करने के बाद ही जा सकते हैं। आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।